हेलो दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, अगला हम बताने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 2। देखिए दोस्तों, इसको कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, पुट करेंगे यहां पर पुट x इक्वल टू कॉस थीटा, x इक्वल टू कॉस थीटा पुट करेंगे दोस्तों। कॉस थीटा पुट कर दिए तो हमारा हो जाएगा दोस्तों, यहां पर जब हम यहां पर थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो ये कॉस इनवर्स x हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर ब्रैकेट, देखिए दोस्तों यहां पर 1 प्लस कॉस थीटा पुट किए डिवाइडेड बाय 2। देखिए दोस्तों, हमारा क्या होगा, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, देखिए दोस्तों 1 प्लस कॉस थीटा को हम लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय 2। देखिए दोस्तों, ये 2 से 2 हमारा कट गया, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, दो कॉस में से एक कॉस बाहर निकल जाएगा दोस्तों, दो कॉस पर एक कॉस बाहर निकलेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कॉस है दोस्तों, कॉट नहीं है, कॉट गलती से लिखा गया है दोस्तों, ये कॉस है हमारा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कॉस निकल जाएगा और देखिए कॉस से कॉस इनवर्स खत्म हो जाएगा। वाई इज इक्वल टू हमारा आएगा दोस्तों, वाई इज इक्वल टू हमारा थीटा बाई 2 हो जाएगा, थीटा बाय 2 हो जाएगा दोस्तों। कॉस इनवर्स से कॉस हमारा खत्म हो जाएगा, थीटा की जगह पर थीटा का वैल्यू रखेंगे, y इज इक्वल टू 1/2, थीटा का वैल्यू हमारा कॉस इनवर्स x है, कॉस इनवर्स x है, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर देंगे dy बाई dx, तो ये 1/2 d कॉस इनवर्स x बाई dx। देखिए दोस्तों, यहाँ पर dy बाई dx हुआ, उसके बाद कॉस इनवर्स का होता है दोस्तों, कॉस इनवर्स का होता है -1/√1 − x². देखिए दोस्तों, ये इसका डिफरेंशिएशन हुआ, इसका देखिए दोस्तों, इसका डिफरेंशिएशन हुआ हमारा, इसका डिफरेंशिएशन वो आया दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों,